ओके, एम आई ऑडिबल? बच्चे लोग, एम आई ऑडिबल? यस नो? एम आई ऑडिबल? सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हियर वी बिगिन द शो, मॉर्निंग शो ऑफ फिजिक्स। ओके, अंडरस्टैंड। ये वाला प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे और टाइम वॉज ओवर। शिप ए इज मूविंग टूवर्ड वेस्ट 10 किलोमीटर पर आवर। एट दैट मोमेंट 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए देयर इज अनदर शिप बी व्हिच वाज मूविंग इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन एट 10 किलोमीटर पर आवर। राइट नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? राइट नाउ व्हेन दिस वाज 100 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या होगा? धीरे 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 ए विल कीप ऑन ट्रेवलिंग, ऐसे 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 बी धीरे 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 ऊपर आएगा। एक सडन इंस्टेंट आएगा जब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, सबसे कम होगा, सबसे कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर जर्नी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर जर्नी। एक मिनट ना, जरा वेट ऑन, वेट एन आवर, लीव योर डिवाइस एंड प्लग दी। ओके, सो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो हमको निकालना है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए एग्जैक्टली। कितना? सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट कब होगा? Alright, सबसे पहले बिफोर एक्चुअली गोइंग टू दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सपोज एक आदमी है ना, ऐसे जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, लेट अस से फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, लेट अस से 10 न्यूटन से इस साइड खींचा, तो टेल मी, ऑब्वियसली बॉडी विल गो वेयर? टू द राइट, ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। एग्री और नॉट? यस सर। यस और नो? ओके, सपोज इस बॉडी को ये नहीं है, 10 न्यूटन नहीं है, खाली यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड 10 न्यूटन खींचे तो कहां जाएगी? ये नहीं है अभी। Where will it go? Along y axis in the direction of 10 newton. Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Now suppose dono force ek sath lagayenge. Suppose idhar bhi lagaya, idhar bhi lagaya, it will go to the right or to the upward? X axis bhi jayega nahi, y axis bhi kidhar jayega ye? So it will not move. It will move. Yes, why not it will move? Agar ha, agar 10 newton idhar और 10 न्यूटन इधर, देन इट विल नॉट मूव। अगर 10 न्यूटन इधर एंड 10 न्यूटन इधर, देन इट विल नॉट मूव। नाउ व्हाट विल हैपन? एनीबॉडी कैन टेल मी? एनीबॉडी? विल इट रिमेन स्टेशनरी? क्योंकि मेरे को तो दो अलग अलग डायरेक्शन, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। इट विल गो, इट विल डेफिनेटली गो, बट नाइदर एक्स एक्सिस नॉर नॉर वाई एक्सिस, बट इट विल गो इन द डायरेक्शन, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड विद व्हाट वैल्यू? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, root of 10 square plus 10 square, that is 10 root 2. It will go under the action of 10 root 10 newton and at an angle of 45 degrees. To be 10 theta will be 10 by 10, that will be 1, 10. So, this isko aur isko dono ko apply karenge, the body will go in this particular direction. Keep that formula in mind. Is this clear? Is this clear? Yes, yes or no? Yes, sir. Okay, so it won't move is wrong, huh? Because there are two forces which are not balanced, unbalanced forces are there. Therefore, there will be motion. There will be motion. Okay. Now, ab yahan pe problem pe aate hain. 10 kilometer per hour towards west, 10 kilometer per hour in the north direction, 100 kilometer. So what I will do, you know, I will make the concept of relative velocity. I will make B stationary, there and there. Usko B ko bolenge to ruk ja. अगर वी को रोकना है, बिकॉज आई वॉन्ट नो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी व्हाट माइनस व्हाट? वी ए बी इक्वल टू व्हाट माइनस व्हाट? बोलो, वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी बी, दैट इज राइट, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हम लोग बी को रेस्ट पे ले आएंगे। बी को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे? इसको 10 किलोमीटर पर आवर नीचे देंगे, 10 किलोमीटर पर आवर नीचे, और यही वेलोसिटी हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे, एग्जैक्टली ऑफ द सेम आइडिया, ये जितना है ना उतना ही हेड का बनाने का। अब सिचुएशन क्या हो जाएगी? बी विल कम टू एट रेस्ट थ्योरेटिकली एंड ए विल मूव विथ व्हाट वेलोसिटी? एनीबॉडी कैन टेल मी? A will move with what velocity? B ke with respect to B, A will move with what velocity? Anybody? Bolo, VAB kitna hoga? Will be, khali formula bolo.
it will move in this particular direction. Anybody can tell me what is the formula? अरे फॉर्मूला बोलो अभी तो बताया था अरे फॉर्मूला बताया था ना अभी रूट ऑफ टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर यानी कि टेन रूट टू किलोमीटर पर आवर बी को इसकी स्पीड लगेगी एज इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 root 2 kilometer per hour. At what angle? Anybody can tell me? If you here, suppose theta loop. So 10 theta will be 10 by 10. Opposite upon adjacent, which is 1. Therefore, what is theta? 45 degrees. So A ko lagega, B ko lagega ki A is moving like this, like this, like this in this particular direction. Already, anybody can tell me how to find the shortest distance between B तो यहाँ पे चुपचाप बैठा है theoretically. What is the shortest distance between B and this particular direction? What should I do? हमेशा ध्यान रखो. Suppose ये road है, cross कर रहे हैं आप ये इधर से इधर जाने. So do you go like this? कैसे जाते हो? Shortest distance पकड़ते हो ना? What do you do for shortest distance? Straight like this. That means perpendicular. तो यहाँ पे shortest distance B and this particular direction in which this is moving it will be what? Anybody? What is the shortest distance? Sir, perpendicular. Drop a perpendicular. Drop a perpendicular like this. This is the shortest distance, BC. BC is the shortest distance between BA and B. Shortest distance between A and B will be BC. Right? A will move along AC and BC will be the shortest distance. Okay, anybody can tell me how to find this shortest distance BC? Anyone? Mathematics isme physics nahi hai. Maths hai maths. Anybody? How to find this distance? It's a right angle triangle. Yeah, who can tell me? Oh, अरे बोले ना बहुत सिंपल है मैथ का प्रॉब्लम है अच्छा चलो मैं बताता हूँ अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है 100 किलोमीटर है ये एंगल कितना है ये एंगल मेरे को नहीं मालूम ये एंगल कितना है ये एंगल और ये एंगल ये एंगल कितना है बेटा ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री और ये है सी ये है ए और ये है B. How do you find BC? Sir, Pythagoras theorem. Oh, so AC and BC. AC and BC are equal. Of the same equal. Length. Yeah, they are equal. But why Pythagoras theorem? Usse easy batao na yaar. See, you can see sine 45 degrees will be BC upon AC. Sine 45 is 1 by root 2. In triangle ABC. What is sine 45? Will be equal to BC upon Pythagoras. Hypotenuse. AB. Not clear or clear? Aray, yeh 45 degrees hai na? Pythagoras theorem se bhi aayega answer. It is not wrong. Afif, it's not wrong. Huh? Pythagoras theorem will give you answer. Sine 45 degrees will be opposite side. Opposite side upon hypotenuse. So, AB कितना दिया हुआ है
equal to BC upon AB 100 kilometers. Tell me, is this clear? Therefore, distance BC, shortest distance between them will be 100 by root 2 kilometers. Or you can say BC is 50 root 2 kilometers. जिसको ये समझ में नहीं आया मेरे को पूछ सकता है, ये नहीं मालूम पड़ा ना, हाउ फ्रॉम दिस टू दिस, रैशनलाइजिंग. सबको समझ में आया कि मैं बताऊं एक बार? चलो बता. अंडरस्टूड. कैन आई राइट दिस इज 50 इनटू 2 अपॉन रूट 2 और दैट इज 50 इनटू रूट 2 अपॉन रूट 2 रूट 2 रूट 2 गेट्स कैंसिल 50 रूट 2 किलोमीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम. एक पार्ट से देखूंगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी से ही हो सकता है. इट्स रियली इंटरेस्टिंग रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, अब मुझे बताओ कितने टाइम बाद होगा. एनीबॉडी कैन टेल मी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है बिटवीन, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 √2. इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, धीरे 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 अगेन डिस्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग. दे विल नेवर कम नियरेस्ट टू ईच अदर. Nearest distance between them is पहले 100 किलोमीटर था, but the nearest become 50 √2. अच्छा, anybody can tell me after what time they will be? देखो ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर पर आर, कितने टाइम के बाद they will be shortest to each other? Anybody can tell me some idea? Give me some idea. Anybody? Give guesswork. Bindas बोलो. सर क्या गेस्टवर्क की बात करते हैं, कुछ इतना डेंजरस प्रॉब्लम है, आप हम सब गेस्टवर्क बोल रहे हो. सर मैं एक बात बताता हूँ, बी यहाँ पे बैठा है, चुपचाप बैठा है, थियोरिटिकली उसको रेस्ट पे लिया है, उसकी वेलोसिटी वहां पे रिवर्स वेलोसिटी दी वहां पे, तो बी ए बी इज मूविंग लाइक दिस. बट कैन बी वन थिंग, व्हेन दे कम शॉर्टेस्ट टू ईच अदर, दैट इज इन दिस केस हाउ मच डिस्टेंस शिप ए हैज ट्रेवल्ड एज पर दिस डायग्राम. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने शॉर्टेस्ट होने के लिए बी ए और सी के पास, इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सर 50 √2. नहीं नहीं, आई वांट ए बी बी सी सी, ऐसा आंसर दो मेरे को. वो हाउ मच डिस्टेंस, ए सी, ए सी डिस्टेंस ट्रेवल इज ए सी. टेल मी विद दैट क्लियर. सो You can see one thing. मैं यहाँ पे अलग कलर से लिखता हूँ, so that you will understand the second part. यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसा. When A and B are nearest, then A has traveled distance AC. AC. With what speed it has traveled this distance? Anybody? ये distance AC जो travel किया कितनी speed से किया उसने? 10 √2 km/h. That's very good answer. G2. With speed B A B. यहाँ पे लिख देता हूँ 10 √2. And we know speed equal to distance upon time. Therefore, time equal to distance upon speed. Distance is AC, speed is VAB. AC kitna hai? AC distance, okay, AC distance will also be, you can say AC is cos 45, so 100 cos 45. So it will also be 50 √2. Yeah, it will be 50 √2 only. And VAB kya hai? VAB is 10 √2. That is equal to 50 √2 upon 10 √2.
5 hours. After 5 घंटे के बाद they will be shortest to each other. 5 घंटा लगेगा दोनों को. वो भी shortest कितना distance, कितना दूर है, कितना 50 रूट 10 किलोमीटर. हाँ ये हो गया. एक बार रूलर मार दो. यस सर. ओके रूलर मार. यस ओके. देखो हमारा सिचुएशन प्रॉब्लम के ऑफिस बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू 2-3 टाइम्स. दे आर आस्किंग व्हेन दे विल बी शॉर्टेस्ट टू ईच अदर एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड बी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ देयर जर्नी. तो हमने क्या किया, हमने किया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. विद रिस्पेक्ट टू बी यानी बी को रेस्ट पे लाना है. तो बी को निगेटिव दिया तो ये रेस्ट पे आ गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ऐड की, इन दोनों का रिजल्टेंट निकला. तो बी को लगेगा एज इट इज ट्रेवलिंग विद बी ए बी. कितना बी ए बी, ये 10, ये 10, तो बी ए बी रूट ऑफ 10² + 10² = 10√2 किलोमीटर पर आवर. एट वॉट एंगल 10 थीटा अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, अपोजिट इज पैरेलल, ये भी 10, ये भी 10, तो 1, देयरफॉर थीटा इज 45. Therefore, B को लगेगा A is moving along AC and BC will be the shortest distance perpendicular drop किया तो B को क्या लगेगा, A is traveling like this, like this, like this, like this and BC shortest distance between them will be BC. Therefore, in triangle ABC, ये वाला triangle मैंने वापस से drop किया. देखो AB 100, AC and BC I have dropped perpendicular. ये 90 degree से 45 45. जो BC है ना 50√2, that is the shortest distance between A and B. When A and B are nearest, then A has traveled distance AC. जब nearest होते तो A ने distance travel कितना किया? AC. With what speed? With speed VAB, that is 10√2 km/h. We know speed equal to distance upon time. Time will be distance upon speed. Distance कितना है? AC. और स्पीड कितनी है? VAB, that is 100 cos 45 upon 10√2. 100 cos 45 nothing but once again 50√2. 100 cos 45 is nothing but 50√2. 100 sin 45, cos 45 both are same. Because cos 45 is 1 by root 2. So, here 50√2, here 10√2. 50 by 10, 5 ghante baad. 5 ghante lagega aur the shortest distance will be 50√2 km. Aise problem aate hain examination mein. You have to be very careful. Copy kar liya aapne? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ye problem ho gaya khatam. Now we start with the agla chapter, laws of motion. Laws of motion. Iske chapter ka baki hai kuch part? It's not over still. I will do some part which is remaining later on because that is connection with 12th and usme derivative ki zarurat padti hai. इसमें भी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी लेकिन आई मैनेज. मिटा दूं इसको, इसको मिटा दूं बच्चे लोग. यस सर. यस सर. ओके अगले चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन लिखो टाइटल.
लॉज ऑफ मोशन इसमें है ना. सबसे पहले वी आर डूइंग विच पार्ट ऑफ फिजिक्स यू नो. फिजिक्स में ऑप्टिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, फिर मैकेनिक्स होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी होता है, फिर मैग्नेटिज्म होता है. बहुत सारे लफड़े हैं फिजिक्स में. बट आई एम गोइंग टू डू इज द मैकेनिक्स पार्ट. ना आप बोलेंगे मैकेनिक्स क्या होता है. मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन. Study of motion, huh? It is divided into two parts. इसके दो पार्ट है. एक तो statics, statics है और दूसरा kinetics है. Statics क्या होता है? Statics होता है motion of a body which is static. Static है ना rest और uniform motion. यहाँ पे forces are balancing each other, huh? यहाँ पे forces are balancing each other. बैलेंस्ड फोर्सेस. काइनेटिक्स के दो पार्ट है. एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स में मोशन, motion without cause or forces. Without cause मतलब क्यों हो रहा है उसके मतलब नहीं है. Or forces not taken into account. Or dynamics में actually motion with cause, that is forces taken. ये है ना जनरली पूछते नहीं है कुछ, लेकिन आई वॉन्ट यू टू हैव दिस नॉलेज कि क्या है काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स. ये क्या है जो लोग डर जाते हैं वर्ड काइनेमेटिक्स सुनते हैं, बाप रे क्या है. कुछ नहीं है, सिंपल. इसको कॉपी कर लो. देखो एक बार फिर से रूलर मार देता हूँ. तो मोशन मैकेनिक्स जो है ना ये पार्ट ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन. इट इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स. स्टैटिक्स में बॉडी दैट रेस्ट. स्टैटिक यू नो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्टैटिक एंड समथिंग विच इज दैट रेस्ट. सो स्टैटिक्स इज रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. इसमें फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर. काइनेटिक्स में क्या होता है, दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. काइनेटिक्स में मोशन विदाउट कॉज और फोर्सेस नॉट टेकन इनटू अकाउंट. फोर्सेस नहीं लेते. डायनेमिक्स में क्या होता है, मोशन विद कॉज, दैट इज फोर्सेस इज टेकन इनटू अकाउंट. ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा. बट कभी ये वर्ड देख के डरना नहीं. ऑलराइट, वी टाइटल लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. टाइटल लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. ये कॉपी कर लिया था ना आपने एनीबॉडी? ओ भाई मैं पूछना भूल गया. Yes, sir. Copy. Oh, sir. हाँ हाँ. Yes. Okay. फिर टाइटल लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. मतलब इसमें है ना सबसे पहला टाइप आता है लीनियर. लीनियर के दो पार्ट हैं, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर एंड यूनिफॉर्म लीनियर. राइट, दूसरा पार्ट है ऑसिलेटरी. थर्ड पार्ट है सर्क्यूलर. फोर्थ इज पीरियोडिक. And the fifth is random motion.
मैं आपको खाली एग्जांपल देके थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ. लीनियर यानी ये भी अलोंग लाइन, यहाँ पे यूनिफॉर्म, कभी कभी फास्ट, कभी कभी स्लो, कभी भी चेंज, कभी कुछ भी, अचानक ब्रेक मारा, अचानक चलाया, अचानक दम 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 एक्सेलरेशन चेंज, सब ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म लीनियर है ना, कंटिन्यूसली विथ यूनिफॉर्म स्पीड. देन ऑसिलेटरी यानी क्या मतलब है, सुनो, ऐसा मोशन. नीडल ऑफ वाइब्रेटिंग मशीन देखे, नीडल नीडल सुई होती है, सुई लाइक दिस, दैट इज नथिंग बट ऑसिलेटरी सर्कुलर मोशन, यू नो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड, अपनी जो अंदर सेकेंड हैंड मिनट हैंड, ये क्या करता है टिप, ये ऐसे गोल 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 गोल, एनीथिंग वेयर टिप ऑन रोटेटिंग. फैन है, फैन का एक टिप देखो, इट कीप्स रोटेटिंग इन सर्कल, सर्कुलर मोशन. पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक यानी एनी मोशन विच रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे अगर मैं पेंडुलम लू और पेंडुलम अंडर आइडियल कंडीशन ये है ना, ये ऐसा ऐसा रखता है कंटिन्यूसली, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक. एनीथिंग विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. रैंडम मोशन, रैंडम तो ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, कुछ भी इधर उधर इधर, इसको बोलेंगे रैंडम मोशन. ओके, ये अपने सिलेबस में लिया, रैंडम मोशन इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस. ये पढ़ेंगे ऑसिलेटरी है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है, ये सब अपने सिलेबस में, लेकिन रैंडम मोशन इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस. हम लोग बहुत पढ़ेंगे इसको, पूरा अच्छी तरह समझेंगे, नॉट टू वरी. अरे बाप रे, भूल गया, कॉपी किया था? ओ कॉपी किया था कि नहीं? Yes, sir. ओके, इसके बाद यू नो इक्वेशन लिखो, ऐसे लिखो, रेस्ट इक्वेशन लिखो, रेस्ट एंड मोशन. Relative concepts. Are relative concepts. Explain. अब सुनो ध्यान से, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट. क्या है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड ब्यूटीफुली, बहुत इजी है. इसमें एक चीज क्लियर होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये क्या है मालूम है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अपने को है ना नॉलेज पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए. तो नॉलेज होगा ना तो यू विल नेवर गो फेल एनीवेयर. तो ध्यान से सुनो, सपोज देयर इज अ ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है, उसके अंदर अफीफ बैठा और भरगेश बैठा है. अफीफ और भरगेश दोनों बैठे हैं और यहाँ पे हुसैन और जीतू रास्ते पे खड़े हैं. सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. मुझे बताओ अफीफ को भरगेश की स्पीड क्या लगेगी, अफीफ को भरगेश की स्पीड क्या लगेगी? जीरो. जीरो, दैट इज राइट. अफीफ को लगेगी, अब भरगेश तो रेस्ट पे है, और भरगेश को ऑफिस की स्पीड लगेगा. बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि वी आर टेकिंग दिस मूविंग फ्रेम एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको दोनों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना. लेकिन देखो वो हुसैन, हुसैन रास्ते पे खड़ा है, जीतू रास्ते पे खड़ा है, भी उनको इसकी स्पीड कितनी लगेगी दोनों की, मुझे बताओ. इन दोनों को इसकी स्पीड कितनी लगेगी? 100 किलोमीटर पर आवर. 100 किलोमीटर पर आवर लगेगी. ऑलराइट, so because they are in other frame of reference, they are in other frame of reference, this is another frame of reference, so it is a frame of reference which decides. Isliye rest and motion are relative concept, for even though they are in motion, lekin in dono pe ek dusre ka rest pe lagega, isliye relative concept hai. Isko iski speed lagegi
100 किलोमीटर पर आवर, बट इन दोनों को आपस में एक दूसरे की स्पीड क्या लगेगी, इन दोनों की स्पीड क्या लगेगी, एट रेस्ट, दे आर एक्चुअली एट रेस्ट. आई होप दैट इज क्लियर. यस सर, ये बात जानो. इसको है ना, जब ये ऑब्जर्वर, इन लोग को बोलते हैं ऑब्जर्वर्स, व्हेन दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दे आर सेड टू बी इन इनर्शियल फ्रेम. व्हिच फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. When observer is not in motion or observer is not having any accelerated motion, उसको हम लोग बोलेंगे inertial frame of reference. ये अगर acceleration भी है साथ में plus acceleration की speed increase decrease हो रही है, then these two are said to be non-inertial frame of reference. Are said to be in what? Non-inertial frame of reference. तो ये है ना, ये बहुत important बात है कि motion and rest are relative concept. अच्छा, ये question मैं पूछना चाहता हूँ. इन दोनों को हुसैन और जीतू की स्पीड क्या लगेगी? Anybody who can tell me? ये दोनों अब 100 किलोमीटर. हाँ, सर, 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर? How can speed be 100 किलोमीटर? वो तो distance होता है. No sir, 100 किलोमीटर पर आवर. Where? To the left or to the right? Left. To the right. Left. अरे लेफ्ट ना, उनको ये तो आगे जाएंगे तो उनको, लेकिन ये पीछे भाग रहे हैं. ये लोग पीछे, जब मैं छोटा था तो मेरे को लगता था सब ट्रेन, ये पेड़ सब भाग रहे हैं पीछे. आर यू फॉलोइंग? बिकॉज मैं आगे भाग रहा था, मुझे बाहर लग रहा था कि वो लोग पीछे जा रहे हैं. तो जाने दो, ये पार्ट समझ, ये पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे. खाली ध्यान रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड्स दिस. तो मैं क्या, बहुत लंबा आंसर है लेकिन इतना लंबा आंसर नहीं लिखूंगा. एक छोटी सी लाइन लिख दो, ऐसा लिखो. पहले एग्जांपल लिखो, इन अ रनिंग ट्रेन. आंसर लिखो, इन अ रनिंग ट्रेन ऑल द ट्रेवलर्स इन द ट्रेन, इन अ रनिंग ट्रेन ऑल द ट्रेवलर्स इन द ट्रेन are in a state of rest, are in a state of rest. With respect to, are in a state of rest with respect to each other, with respect to each other, if the train is taken, as the frame of reference. Next line will go, on the other hand, on the other hand, all the travelers in the train, all the travelers in the train are in a state of motion if ground is taken as frame of reference. फिर उसके बाद next line में लिखो, thus motion and rest always need a frame of reference to be described, frame of reference to be described. Full stop. Hence, rest and motion are relative concepts.
इसके बाद में लिखो स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ये बहुत पुराने टेंथ की बात आ गई वापस से. स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये स्टेटमेंट आपने टेंथ में किया था. सभी ने किया था नाइन्थ या टेंथ? कौन से स्टैंडर्ड में किया था? सेवेंथ में किसी ने नाइन्थ में टेंथ में. इरेस्पेक्टिव स्टिल द स्टेटमेंट इज द सेम. इलेवेंथ में भी स्टेटमेंट इज सेम. लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, मजा आएगा इसमें. सी व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, यू नो एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced force. यही पढ़ा था आपने, यही पढ़ा था आपने कि कुछ और था बच्चे लोग? Oh dear students, every body continues to be in a state of rest or uniform motion along a straight line unless and until it is acted upon by an external unbalanced force to change that state. ये पढ़ा था कि first time सुन रहे हो? सही यही था. Okay, अब मैं ना इसके बारे में थोड़ा explain करता हूँ. देखो क्या मस्त है इसका, ये जो बोला है कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन this law can be divided into two parts. इसके दो पार्ट हो सकते हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट सेज अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट. अ बॉडी विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. फर्स्ट पार्ट स्टेट्स दैट. ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट स्टेट्स व्हाट, दैट बॉडी इज एट रेस्ट विल आल्सो रिमेन एट रेस्ट. बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट ऑन इट्स ओन. ऑलराइट, कोई बोलेगा सर प्रूव करो इसको. बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, तो सब फनी हो जाएगा मामला. सपोज दिस इज अ टेबल, ये टेबल पे एक बुक रखी हुई है. सपोज विल बी वन थिंग, विल दिस बुक रिमेन एट रेस्ट और इट विल मूव स्टार्ट मूविंग? एक टेबल पे बुक रखी हुई है, विल इट रिमेन एट रेस्ट और इट विल स्टार्ट मूविंग? रिमेन एट रेस्ट. रिमेन एट रेस्ट. इनफैक्ट अगर किसी के रूम में जाओ और देखे कि एक बुक मूव कर रही है वहां पे, अपने आप मूव कर रही है, तो अपन भाग जाएंगे उधर से, बोलेंगे बाप रे कुछ भूत लगता है इधर. तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव दिस पार्ट, दैट अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट ऑन इट्स ओन. सेकेंड पार्ट स्टेट्स व्हाट, यू नो अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्टेट. ऑफकोर्स इफ आई अप्लाई अ फोर्स, व्हाट विल हैपन? बुक विल स्टार्ट मूविंग, बुक विल स्टार्ट मूविंग. सो इट इज वेरी इजी टू प्रूव बोथ द पार्ट. A body at rest remains at rest on its own. When it is applied a force, body changes its state of rest. Tell me, all of you agree or not? Bolo? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, on the basis of this, we can define force. इसके ऊपर हम लोग force define कर सकते हैं. ये ना first law ultimately tells us definition of force. Yeah, introduction of what exactly the force is. मुझे एक बात बताओ. क्या बुक रेस्ट पे थी पहले कि मूव कर रही थी? पहले बुक जो टेबल पे थी वो रेस्ट पे थी या नहीं? रेस्ट पे थी. अगर मूव करती तो हम लोग क्या करते? अपने आप मूव करती तो, हेलो, अपने आप मूव करती तो क्या करते हम लोग? अरे किसी कमरे में गए और बुक चलते हुए बुक को देखोगे तो क्या करोगे तुम? भाग जाएंगे thinking that there is some bhoot inside that room. Okay, so yahan se force is defined karte hain. Malum hai force aaya, force ne apply kiya, to force is an external agency. Pehle malum pada ki wo bahar se bahari cheez hai. Force is an external thing, external agency which changes or tends to change the state of rest or of motion
ऑफ द बॉडी। हाँ बोलेंगे सर ये क्या चेंजेस और टेंस टू चेंज क्या करते हो सर आप डिफिकल्ट बना रहे हो चीज को, व्हाई डोंट यू मेक इट सिंपल, चेंज इज द बॉडी है। नो देखो मैं बताता हूँ आपको ऑलरेडी किस कैसे फोर्स होता है। फोर्स खाली मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है, सुनो ध्यान से। ऐसा अज्यूम करो कि इसको इसके बदले बहुत भारी चीज है, एकदम बहुत भारी चीज, बुक के बदले इतनी भारी चीज है जो अप्लाई फोर्स और कुछ नहीं हो रहा है उसको। क्या बॉडी बहुत भारी चीज होगी तो छोटे से फोर्स अप्लाई करने से भागने लगेगी? क्या चेंज हो जाएगा पोजीशन? बोलो यस और नो। नो सर। अरे बहुत भारी भरकम फोर्स है, छोटे बच्चे को बोलेंगे कि धक्का मार खिसक जाएगा, विल इट हैपन? नो सर। नो। तो फोर्स tends to change, मतलब it may start the motion, it may not start the motion if it is not sufficient, but tendency है उसकी change करने की। I hope that is clear, tendency तो है उसकी change करने की। और ऐसा नहीं कि हमेशा motion नहीं करता है, suppose कोई भागती हुई चीज आई उसको आप force लगा के धीमे भी कर सकते हैं, उसको धीमे भी कर सकते हैं force apply करके। Can you reduce its speed by applying force? Yes sir। बोलो ना Yes or no? Yes, sir. हाँ तो force not only produces, it changes or tends to change the state of motion of a body. It can increase speed, it can decrease speed. It may not be able to produce motion, but it may have tendency to produce motion. These are the things which are important for force. ऐसा कभी नहीं बोलना सर force लगाया ना तो body move करेगी बस कुछ भी हो जाए। No, it is not possible. If the force is small, body is large, nothing will happen. I hope that's clear. बोलो ना बच्चे लोग। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और चेंजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी और चेंज। तो ये हम लोग फटाफट लिख डालेंगे, ऐसा लिखो जल्दी, राइट डाउन। हमारा टाइम हो गया, आज भी शायद ही अनलिमिटेड टाइम दे रहा है मेरे को, ऐसा लिखो। इतना लिख के हम लोग इसको स्टॉप करेंगे, फिर वी स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। लिखो स्टेटमेंट, लिखा आपने एवरी बॉडी, स्टेटमेंट लिखो एवरी बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced force force has to be unbalanced। वो पता ना भूल गया कि मैंने बताया, एक मिनट, did I tell you unbalanced force word की नहीं, yes or no? हाँ चलो लिखो अनबैलेंस फोर्स, तो मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अनबैलेंस फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, फोर्स का पहले वर्ड आना चाहिए अनबैलेंस्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों, और मैं है ना इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं बिकॉज वर्ड टू वर्ड इट इज सेम, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, तुम लोग इसको कॉपी कर लेना। ऑलराइट, विद दिस वी स्टॉप और इमीडिएटली आई विल स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। कैन आई स्टार्ट नाउ ओनली मैट्रिसेस without discontinuing yes, this lecture? क्योंकि वापस वापस नहीं आने का, खाली जो नॉन मैथ्स वाले वो भाग जाएंगे, बर्गेस एंड विद्दी। तो वी स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, इसका आगे का पार्ट बुक वाला, बुक एड्रेस, बुक विल स्टार्ट मूविंग, वो सब मैं देता हूँ आपको। ऑलराइट, तो ये रहा मैट्रिसेस आपके सामने। आई वॉज नॉट हैप्पी, तुम लोग क्या करते हो मैट्रिसेस के प्रॉब्लम में, किसी को फुल मार्क्स नहीं आए, वेरी बैड। मुझे लगा तुम लोग समझ गए हो अच्छे से, अच्छा लिखोगे, कितने गंदे मार्क्स आए तुम लोगों के।
आई वॉज नॉट हैप्पी, इसलिए मेरे को अभी फोर्स करके वापस वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे जो मैंने आपको टेस्ट में दिए थे. एक मिनट आया मैं. नहीं वो गाँव गए. मैं जरा भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ तुम्हारे इससे, मैथ्स के वर्क से. उस दिन तो मैं सिंगुलर मैट्रिक्स पूछा तो सबकी हालत खराब थी. अच्छा जरा हु विल टेल मी सिंगुलर? जीतू? यस सर. जीतू नहीं, ओम. ओम ओम, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? ओम, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? अरे ओम, ओम मिस्त्री, ओम आर यू देयर और नो? अरे ओम है कि नहीं? भाग गया सर, ही इज नॉट देयर आई थिंक. हाँ, अरे यार इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रीस्टार्ट. मेरा ये कंप्यूटर है ना, रीस्टार्ट होगा. अफी विल यू रिकॉर्ड दिस लेक्चर? सर आई एम ऑन माय फोन सर. हाँ चल हो जाएगा, चल जाने की जरूरत नहीं है. ओके सो वेरीफाई दैट ए बी इक्वल टू जीरो. चलो ये प्रॉब्लम करते हैं. क्या पता तुम लोग को इतने इजी इजी प्रॉब्लम नहीं आते यार. आई एम रियली शॉक टू नो दिस. चलो लिखो. ओम आया ही नहीं क्या? ओम तो दिख रहा है मेरे को. ओम आर यू देयर और नो? ओम मिस्त्री. यस सर. व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? यस सर. सिंगुलर वन वन वाला. इफ द डिटरमिनेंट ऑफ इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. दैट इज राइट. ऐसे लिखो. इक्वल टू. बहुत गंदा तुम लोगों के काम था, बहुत गंदा. मेरे को लगा सबको फुल मार्क्स आएगा. नन ऑफ यू वर्क. जस्ट इमेजिन 3 मार्क्स 4 मार्क्स आउट ऑफ. और क्या चैप्टर, क्या एकदम इजी. 10th वाले बच्चे लोग को करने वाला चैप्टर है तो. आई वॉज शॉक टू नो दिस. बहुत गंदा लगा मेरे को. तुम लोग कुछ एफर्ट ही नहीं ले रहे हो. Show that. देखो मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले ये निकालता हूँ. RHS RHS इक्वल टू AB इंटू सी है ना. तो पहले AB निकालता हूँ. व्हाट इज AB? 2, 4, 3, -1, 3, 2. राइट. एंड B क्या है? 2, -2, 3, 3, -1, 1. एंड व्हाट इज दिस? This is 3/2 and this is 2/3. Tell me all of you agree? मेरा order बराबर लिखा है कि गलत लिखा है? Order? It's right or wrong? Sir, 2/3. This is 2/3. And what about this? What about this? ये कितना है? ये ऑर्डर 3/2. हाँ 3/2. तो टेल यू सी दिस टू आर इक्वल. दिस टू आर इक्वल देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड 2/2 इज द आंसर.
टू बाई टू यानी R1C1, R1C2, R2C1, R2C2, ये हमको निकालना है बस। तो ABBC इक्वल टू, देखो अभी डायरेक्टली करता हूं मैं, अभी दो दूनी चार, चार थ्री को बारह, तीन टू माइनस वन माइनस थ्री, ये R1C1 खत्म। और ये R1C2 टू इंटू माइनस टू, फोर इंटू थ्री, ऐसे करो अभी। इसका मुझे करके बताओ और इसका करके बताओ जल्दी। इसका वैल्यू है R2C1 और यह R2C2, R2C1, R2C2, पता नहीं तुम लोग को इतने इजी इजी सम्स नहीं आ रहे हैं, बाद में क्या होगा, तुम लोग हार्डवर्क करते ही नहीं हो, इतना काम है ना, तुम लोग मरीज से घर पे बैठ के पूरे दिन पढ़ाई कर सकते हो, पूरा दिन यू कैन रियली एंजॉय योर स्टडीज, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बाहर जाना नहीं, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई, बुक्स आर योर फ्रेंड्स, मेक फ्रेंडशिप विद द बुक्स, मजा आएगा फिर लाइफ जीने का। ये कितना आंसर आया माज? ओ माज सर, -2 + 9 - 2। Very good. You what about this? Very good two answer. 2 + 9 + 2. अरे वाह! 12 और 4 = 16, 16 में से 3 गया तो 13, 13 और 3 = 16, 16 में से 4 गया तो 12, 9 में से 4 गया तो 5, 9, 10, 11, 12, 13. Now we do AB into C's. That is 13. 12. मेरी मिस्टेक हो तो पकड़ना भाई, आई एम जस्ट डूइंग फटाफट, और तुम लोग की इतनी आंखें देख रही है तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे कुछ मिस्टेक होगी तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू कैच अप। मुझे मुझे ओम ये बता क्या लिखूं, व्हाट प्लस व्हाट, ये R1C1 यही है सेम, 2 by 2 2 by 2, तो वही है 2 by 2, वो R1C1 R1C2 R2C1, बता इधर क्या लिखो, ओम ओम सबसे ज्यादा टाइम लेता है आंसर देने को। प्रिशा कैन यू टेल मी, जीतू सो 39 + 12, दैट इज राइट। अफीफ इधर क्या लिया, हुसैन दागीना, यस सर, व्हाट शुड आई राइट हियर, हुसैन दागीना, यस सर, हाँ बोल इधर क्या लिखूं, व्हाट प्लस व्हाट सर, 13 + ओम प्रिशा कोई भी एक जन बोलो, माज माज, अफीफ सर 15 + 13, अरे यार ये लोग कोई बोल ही नहीं रहे, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। Equation number 1. कॉपी कर लिया इतना, इधर चेक कर लूं मैं भी, ये 13 11 आता है, 13 और 3
सोलह माइनस चार बारह, फोर थ्री इज ट्वेल्व, हाँ ट्वेल्व ना। और भी मिस्टेक है कुछ, जरा देखो। और फिर इधर भी मिस्टेक हो जाएगी ना, थर्टीन और ये इलेवन, जरा चेक करो प्लीज। उनतालीस प्लस ग्यारह पचास, ग्यारह तैतीस। देखो छोटी सी मिस्टेक से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। फिर छोटी मिस्टेक करो, योर एंटायर प्रॉब्लम विल बी चेंज। फोर थ्री जै ट्वेल्व ना, फोर थ्री जै ट्वेल्व, मैंने लिखा थर्टीन, तो उससे पूरा प्रॉब्लम गड़बड़ हो गया पूरा। इट टू बी वेरी केयरफुल। अभी करेंगे बीसी, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं क्या? यस सर। ए बी इंटू सी का आंसर में यहां लिख के रखता हूं। चलो अभी अपने को लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, ए इंटू बी सी, पहले बीसी करते हैं। This is 3 by 2 and this is 2 by 2. So this will be 3 by 2. BC will be 3 by 2. 3 by 2. R3C1, R3C2. ये खाली ऐड कर रहा होगा, थ्री बाय टू। यहां क्या लिखूं भाई, ओम यहां क्या लिखूं, ओम स्त्री ऋषा तुम बोल सकती हो, इधर क्या लिखूं, जीतू माइनस थ्री प्लस वन, देन दिस विल बी माइनस वन प्लस थ्री, चार माइनस चार बारह, बारह माइनस टू आई टू, जस्ट चेक इट इज राइट, फोर माइनस फोर बारह, बारह माइनस टू टू, एंड देन आई वांट ए इनटू बी सी। ए ये टू फोर थ्री, this will be 2 by 3 and this will be 3 by 2, so this will be 2 by 2, yani ye khali itna, dekho 4 plus 12 minus 3, then this will be minus 4 plus 12 plus 3, this will be minus 2 plus, no minus 2, then this will be 2 plus, no plus 2, is this
Is this right or wrong? क्या मिस्टेक है बताओ sir, but the answers are not matching sir. Yeah, answers are not matching. 243 minus 132 and this will be 4 by ये गलत किया है ना मैंने. I should write BC. 4 minus 4 12 12 minus 2 2 ये लिखना है ना BC, ये लिखना है भाई. What yes, are you doing? You have to be very careful. Matrices एकदम easy लगता है, but your concentration should be at the top level. चार दुनी आठ, 1248 और minus 6, then this will be minus 8 plus 48 plus 6. This will be minus 4 plus 36 minus 4. This will be plus 4 plus 36 and plus 4. Or 48 will go 50. Then this will be equal to 46. Then this is 28. Equation 2. ये हमने गलत कॉपी कर दिया था बीसी. हाँ हो गया, कॉपी करके हो गया कि नहीं? कोई डाउट है मेरे को पूछो बिंदास. एनी डाउट यू आर हैविंग? नो सर. नो सर. अच्छा ओके. ये क्यों नहीं आया सबको? आई थिंक अफित यू गॉट फुल मार्क्स इन दिस और व्हाट? सो वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट फुल मार्क्स. हु वाज दैट? आई डोंट Sir, in one of the 6 marks sum, I got full. I don't remember which. Yeah, one. In one of the 6 sum, you got full marks. Sir, bita do isko. I was surprised. Kuch hai nahi. Ekdam easy addition, subtraction, multiplication. Okay. Verify that. Show that A into B plus C equal to AB plus AC. पहले तो है ना इस सम मैट्रिसेस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम कॉपी करते टाइम अगर जरा भी एरर किया यू विल नेवर गेट द आंसर. सम कॉपी करने के बाद वापस चेक करने का वेदर माय सम कॉपीड इज प्रॉपर और नॉट, क्योंकि वो अगर मिस्टेक है तो इन योर एंटायर लाइफ यू विल नॉट गेट द आंसर. इसलिए दैट चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
देखो वापस चेक कर दो, 1 - 1 - 3। हाँ देखो ये मिस्टेक मिली ना, या 1 - 1 - 3 होना चाहिए, और ये नहीं हुआ तो होता ना मेरे को कभी आंसर नहीं मिलता था। 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 4 - 4 - 0 - 2 - 3 - 0 - 3 - 2 Very careful. आप कॉपी करने के बाद वापस से चेक करो, देखो मेरी मिस्टेक मिल गई अभी। तो सबसे पहले AB plus AC, चलो मल्टीप्लाई करो। आई विल नॉट डू नाउ, यू विल डू। ये देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 3, और इसका ऑर्डर है 3 by 2, तो दिस विल बी 2 by 2 मैट्रिक्स, और ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स आएगा। -1 - -2 - 12 हाँ ठीक है, बाकी पूरा करो, पूरा करो, सब लोग करेंगे। कितने लोग को ये आया? सर फर्स्ट वन राइट। यस सर, फर्स्ट वन आई गॉट करेक्ट। व्हाट अबाउट सेकंड? ट्राई करो, चलो। सेकंड आई वाज डूइंग सर। तुम लोग ऐसे मेरे को डिस्करेज करते हो, तुम लोग सब मिलके यार, सब मिलके डिस्करेज करते हैं, ऐसा नहीं एक आध डिस्करेज करता है, सब लोग यूनिटी में। लेट्स डिस्करेज द सर एंड देन ऑल ऑफ यू आर यूनाइटेड। हु इज योर लीडर? लीडर ऑफ द पैक कौन है? अगर नहीं आता आंसर प्लीज चेक व्हाट इज द मिस्टेक, डोंट जस्ट कॉपी, डोंट जस्ट कॉपी। सर आई गॉट दैट राइट आल्सो, सेकंड वन। हु इज दिस? नाम क्या? आवाज नहीं पहचान। हां इक्वेशन नंबर 1 RHS हमने लिया है, अभी हमको ला लें LHS।
तो मिटा दूं क्या? कितने लोग का आ गया ये बराबर से? सर आई गॉट इट, सो आई आल्सो गॉट इट, सर आई आल्सो गॉट इट। मार्ज, मार्ज मिला कि नहीं? हाँ सर मिला। मार्ज जीतू? यस सर। ओम? यस सर। हुसैन, हुसैन यू आर नॉट गिविंग आंसर यार। सर आई गिव। और प्रिशा यू गॉट? खाली यस नो तो बोलो प्रिशा। चलो ठीक है, तो नाउ वी टू द लेफ्ट हैंड साइड। चलो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बताया था मैंने, माइनस वन प्लस जीरो इज माइनस वन, वन प्लस टू इज थ्री, टू प्लस थ्री इज पांच, माइनस टू प्लस जीरो इज माइनस टू, फोर प्लस थ्री सेवन, फोर माइनस थ्री इज वन। जस्ट चेक वेदर इज राइट और रॉन्ग। मल्टीप्लाई करो, थ्री टू बाई थ्री एंड थ्री बाई टू यानी टू बाई टू आएगा ये। करो यस। ओ प्यारे बच्चों, तुम लोग मेरे को डिस्करेज मत करो। देयर वर टू ब्लैक पेंस, यस दे आर हियर। हाँ आया आंसर? आया आंसर कि नहीं? क्या आंसर आया इधर? माइनस 27। और क्या अभी कुछ लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो मिटा दो इसको,
बेटा देखो यस सर ओके इसके बाद में टाइटल लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहला MM यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा शॉर्टकट में बना दूं तो अपना फटाफट हो जाएगा MM यानी क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन MM इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल दैट इज AB इज नॉट इक्वल टू BA ऑलवेज सम स्पेशल केसेस में हो सकता है नंबर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज असोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज असोसिएटिव यानी क्या मानो मैं ए बी इंटू सी जो हमने अभी अभी प्रूव किया ए बी इंटू सी इज नथिंग बट ए इंटू बी सी नंबर थ्री मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव दैट इज ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड नंबर वन एंड नंबर टू A plus B into C, AB plus BC. Number four. The product of two non-zero can be a zero matrix. That means product of two matrices, that is AB even if AB equal to zero is possible. Even if A is not equal to zero and B is not equal to zero. नंबर पांच कौन कॉपी है इफ ए बी इक्वल टू जीरो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इक्वल टू जीरो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नंबर छह A raised to 1 equal to A. A raised to n plus 1 is A raised to n into A. A raised to 3 A square into A. Or that is A into A into A. Perfect. Also, A is to M. Mathlab law of indices are followed. A is to N.
ओके एक बार रोलर मार देता हूं, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ए बी एंड बी आर नॉट इक्वल ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है इन सम स्पेशल केसेस ए और बी और बी ए इक्वल हो जाए तो बात अलग है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ए बी इंटू सी कैन, ये अभी प्रूव किया हमने, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी और ए प्लस बी इंटू सी इज ए बी प्लस बी सी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो, A is not zero, B is not zero, but AB multiplied by तो zero आ सकता है। अगर AB zero है इसका मतलब ये नहीं कि A, जैसे normal algebra में दो number का multiplication is zero, one of the number has to be a zero number। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। matrix में दोनों non-zero matrix होगी तो भी answer can be a zero matrix। In matrix multiplication if AB is zero, it is not necessary that BA is zero। AB zero तो BA zero ऐसा possible है? Because it is not commutative. A raised to 1 is A. A raised to n plus 1 is A raised to n into A. A cube is, for example, A square into A. That is, A square ko A into A do bar likho A. A raised to m into A raised to n is A raised to m plus n. A raised to m raised to n is A raised to mn. Remember, if I is like number 1 of algebra. You say, anything multiplied by 1. 25 into 1, 25. 1 into 25, 25. वही सेम चीज आई के साथ होता है, किसमें? मैट्रिक्स में। आई इज कंसीडर्ड वन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ए इंटू आई इज सेम एज आई इंटू ए इक्वल टू ए, बिकॉज आई इज वन, आई इज वन, आई इज कंसीडर्ड जीरो, बट रिमेंबर आई इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, एंड रिमेंबर इफ जीरो इज अ नल मैट्रिक्स देन ए इंटू जीरो इज जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो, एनी नंबर When we multiply by zero in normal algebra, वही चीज यहाँ पे true है। Matrix को कभी भी zero matrix से multiply करो, answer will be a null matrix only। Okay? एक बहुत important बात बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। बहुत important बात है। ये तो हम लोग next time करेंगे। चलो, आज के लिए इतना करते हैं हम लोग। ये सब properties याद रखो and do practice यार। तुम लोग का बिल्कुल खराब था। मैं एक बार वापस से है ना matrix का एक test लूंगा। यही सिमिलर टू व्हाट वी हैव टेकन, सो दैट यू नो आपका ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन विल बिकम क्लियर, ये संडे को होगा और ये केमिस्ट्री टेस्ट भी होगा। तुम लोग को एस एस सर का रखूं या डीएम सर का रखूं टेस्ट, तुम लोग बोलो, एस एस सर या डीएम सर किसका टेस्ट रखूं? अफीफ, माज सर, एनी सर। अच्छा ओके ओके, आई विल अनाउंस, प्रिपेयर बोथ केमिस्ट्री सर का टॉपिक प्रॉपरली, ओके, इज दैट क्लियर? आजकल जूम अनलिमिटेड टाइम दे रहा है क्या? एनीबडी नोस सर, इफ यू ओनली सब्सक्राइब इट इज अनलिमिटेड, बट आई थिंक यू हैव सब्सक्राइब्ड सर। आई हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, यस्टरडे आई वाज नोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्या हो गया, बंद नहीं हो रहा है। और तुम लोग क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? टेल मी योर डेली रूटीन, बच्चे लोग। अफीफ, व्हाट इज योर डेली रूटीन? सर जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर यू हैव डन दैट डे। बट व्हाई द पीपल आर नॉट स्कोरिंग? ओम, तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? सर आई वेक अप एट 5 o'clock एट मॉर्निंग। हां, और फिर पढ़ाई करते हो? No, sir. Cycling. I go for cycling. And then I study for 2 hours and then I attend the class. और दिन में क्या करते हो बाद में? लंच के बाद सो जाते हो? Yes, sir. अरे क्या? सोने के बाद क्या करते हो शाम को? Sir, practice. Maths some. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब प्रैक्टिस करो, ओके? एवरीवन ऑफ यू पुट योर एफर्ट। हुसैन दागीना, अरे मेरे को तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन था, 100 of 100 इन मैथ्स, तो मेरे को लगा इधर आके तुम छा जाओगे एकदम सब पब्लिक के ऊपर, एकदम टूट पड़ोगे। आई एम नॉट फाइंडिंग दैट, मेरे को लगा सब मार्क्स ओनली। हां, क्या बोल रहे हो तुम? यस सर, सर आई डिडंट गेट द मार्क्स। हाँ, या यू शुड गेट ना, ओके? सब लोग मार्च, मार्च, प्रिशा, सब लोग प्लीज वर्क हार्ड, ओके? चलो बाय।